ले भाई अब तू बना। कौन से पकड़े था हम पकड़ी ले बनाओ बड़ा मदद नहीं करना पूरा ले लीजिए अच्छे मार्क्स आगे से आप ऑन है ना कैमरा ऑन है। हाँ ऑन है छोटी कर ले तारे बड़ी मेरी कंफर्टेबल नहीं है ना थोड़ा तो क्या उसी। हाँ बस अब तो राज लगा अब आपन की बोलो कि बोलो बोलो बात है बोल से बात लो चाला आपस बात पे बोल रहा हूँ मैंने बात अरे पूरा दरवाजा और बैठक होती थी पहले गांव में यदि कोई काम होता था तो यहां पे बैठक की जाती थी। यदि कोई गांव के डिस्कस होता था गांव के ग्रामीण बुजुर्ग यहां पे आते थे किसी चीज का यदि डिस्कस करना था तो ये डिस्कस कॉन्फ्रेंस हॉल जो आज का कॉन्फ्रेंस हॉल है वो इनको गोखे बोले जाते हैं। पहले अपने इनको गोखे बोलते थे गोखो पे बैठ के ही किसी चीज का निर्णय निकाला जाता था और गांव की समस्याओं का सोल्यूशन किया जाता था। दोनों साइड में बने हुए आप देखा दोनों साइड में लेफ्ट और राइट और ये दोनों साइड में आप बता सकते हो बाहर जो है बाहर दोनों साइड में जो दो ये बने हुए अपने यहाँ पे सिपाही बैठते थे दोनों साइड में ये देखो आप दिखा सकते हो डिजाइन इस साइड भी सेम डिजाइन आप बाहर से दिखेंगे एक बैठे और ये आप देख सकते हैं कितने पिल्लरों के साथ में इतना बड़ा उनका बना हुआ था यहाँ पे उनके सोफे वगैरह उस समय लगते थे कि घुमा के पूरा व्यू दीजिए ऊपर करके आप पूरा तो समझ आएगा लंबे रखो तो ज़्यादा बेस्ट है तो व्यू सब अच्छा आएगा इसमें तो सबको सेट कर देते हैं अपन तो शानदार उसकी बना हुआ बिल्कुल फुल मजबूताई के साथ में बने हुए मकान थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं आजकल आपन कोई भी नया घर बनाते हैं तो आरसीसी के अंदर बनाते हैं और ये देखो छत पहले की पुरानी छत है इनको अपन ढोलों का घर बोलते हैं जिसमें छोटे से छोटे पत्थर को जोड़ के फिर बनाया जाता था जैसे एक से एक पत्थर जोड़ के फिर इसको छत का निर्माण किया जाता था। इसमें स्टील का काम नहीं लिया जाता था लोहे का कोई यूज नहीं होता था और नॉर्मली बहुत ही मजबूताई से इस हवेली को अपन देख रहे हैं। ये हवेली तकरीबन 1300 साल पुरानी है। हाँ। तकरीबन ये 1300 साल के लगभग पुरानी हवेली है लेकिन इसकी मजबूताई की बात करें आज अपन इसकी पिलरों की यदि मजबूताई की बात करें तो ये 1300 से 1900 के स्क्वायर फीट के अंदर इनका काम हो रखा है। 1300 से 1900 इंच की दीवारें हैं सारी सारी और कितने मजबूत स्तंभ लगे हुए हैं। ये जो बीच में पर्वता है आजकल के मकान बंद मकान होते हैं लेकिन पहले का जो रहन सहन था वो अलग था। पहले खुले इलाके में रहते थे जो भी घर होता था ऊपर से ओपन होता था क्योंकि वहाँ पे उस समय लाइटिंग नहीं थी और आधुनिकरण नहीं होने की वजह से ओपन से ओपन दिया जाता था। हवा का वेंटिलेशन रहता था सनलाइटें रहती थी नेचुरल हवाएं आती थी नेचुरल लाइट रहती थी इसलिए बीच का इलाका आजकल अपन कोई भी घर बनाते हैं तो पैक बनाते हैं लेकिन पहले की जो हवेलियाँ कोई भी हवेली आप देखोगे तो आपको वो ओपन दिखाई देगी। बीच में जो ओपन चारों तरफ रूम्स होते थे ये देखिए आप इधर फिर इनका बीच में डांस वगैरह यहाँ पर हुआ करता था पूरा का पूरा नृत्य वगैरह इधर जितने भी राजा महाराजा उनके सामंत मंत्री ये सब बैठते थे यहाँ पर इनको दृश्य लेते थे। ये हवेली है ओनली फॉर यहाँ पे नाच गान नृत्य या कोई डिस्कस किसी भी गांव की समस्याओं के लिए हवेली। बाकी जो राजा महाराजा उनके गढ़ है यहाँ पे पहाड़ी है पहाड़ी पे अलग से गढ़ बना हुआ था लेकिन यहाँ पे वो आते थे अपना कुछ अच्छा टाइम बिताने के लिए। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आते थे और ऊपर भी इसमें झरोखे बने हुए हैं ऊपर बैठते थे वो साइडों में देखने के लिए बैठने के लिए पूरा बना हुआ है यहाँ पे बैठते थे या सिटिंग अरेंजमेंट होता था और यहाँ यदि नृत्यकाएं नृत्य करती है या कोई भी एंजॉयमेंट का प्रोग्राम होता था तो यहाँ पे बैठा जाते थे। चौथे कितनी शानदार डिजाइन की टोटी थी यहाँ से टूट रही है अभी किसी कारण से मरम्मत नहीं हो पा रही इस हवेली की। हालांकि थी हमारे पुरखों की जोरावर सिंह जी की हवेली थी ये और ये देखिए आप दोनों साइड फिर यहाँ पे जो सेकंड सेनापति थे वो यहाँ बैठते थे उनके सेना के सैनिक ताकि कोई भी हमला या कोई भी बाहर से कोई आदमी आक्रमण करता तो पहले उनका बचाव हो सके ये सब उनके लिए बना हुआ है। तो ये अंदर एक शानदार आप देख सकते हैं और यहाँ सबसे अच्छी खासियत क्या है इसमें कि आपको गर्मी में ठंडक महसूस होगी और ठंडक में गर्मी महसूस होगी। तो आप देख सकते हैं
और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आजकल मैं बोलता हूँ काफी दुख होता है इन चीजों, दुख इसलिए होता है कि यार इतनी शानदार हवेली है, इतने शानदार हमारे पुराने किले बने हुए और आज की खंडर की स्थितियों में, ये देखिए अंदर भी एक इसके अंदर वो बना हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर भी, देखिए आप एक सीधे यहाँ सीढ़ियाँ बनी है ऊपर जाने के लिए, और ये फिर उसी टाइप की डिजाइन है, ये पुराने रूम्स, काफी छोटे छोटे रूम्स काफी बड़े बने हुए हैं और हर जगह ओपन एरिया के अंदर, आगे मेन गेट था उसके बाद सेकंड गेट आया और फिर आप अंदर फिर बीच में ओपन एरिया आ गया। ये देखिए आप कितना शानदार, वहाँ पे रानियाँ राजकुमारियाँ सब बैठती थी, और ये भी कहते हैं कि हमारे जब बड़े बुजुर्ग पहले शादी होती तो यहाँ पे ढोक लगाने के लिए आते थे वो बड़ी ठकुरानी साहिबा को। तो ये सेकंड परकोटा है यहाँ का, तो उस समय आप देख सकते हैं कितना विशालकाय बना होगा ये और कितनी शानदार हवेली थी ये। अब तो मुझे लगता नहीं है कि इस विरासत को हम बचा पाएंगे, ऊपर भी आप देख सकते हैं एक आलीशान बिल्कुल शानदार दृश्य इस हवेली ने दिया है, अपने आप में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें छुपाए हुए बैठे हैं ये। और ये पत्थर, ये जो उस समय की कारीगरी आज हमारे सामने ख़त्म होता नज़र आ रही है, देखिए सामने एक झरोखा बना हुआ है वो कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी थी ये। ये देखिए ये स्टैंड के रूम्स थे, रूम्स के अंदर भी पिलर बने हुए थे, ये देखिए अब अंदर अंदर और कितना हम जा नहीं सकते अंदर क्योंकि अभी गंदगी पड़ी हुई सारी अंदर, तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत थी अंदर से ये है। हाँ गेट वगैरह सब ले गए यहाँ से निकाल के, ये देखिए कितनी खूबसूरत कितनी शानदार है, अभी भी आपको दिखा सकता हूँ मैं। लो बनाए बार बनाओ ऊपर से वीडियो, कहाँ गए ऊपर तो नहीं जाएंगे, थोड़ा रिस्क वाला मामला है इससे, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ टूटी हुई होगी। चलो एक और दिखाऊंगा, काफ़ी बदबू आ रही है, बहुत सारे जानवर रखते हैं ये, और इस टाइम पे तो भी ये रास्तों में शानों शोकत हुआ करते थे। मैं यही बोलना चाहता हूँ जिनके पास में हवेली आए अभी उनको सुधार के रखो, उनका जीर्णोद्धार करो, अदरवाइज ये सब ऐसी खंडर की स्थिति में चली जाएगी, हमारा इतिहास जैसे खत्म हो रहा है। ये देखिए सामने आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी एक गढ़ बना हुआ था, ये देखिए शानदार, ये ऊपर देखिए गढ़ बना हुआ था, वो गढ़ था, ये महल था, तो वहाँ से सारे इलाके की देख रेख हुआ करती थी। ये देखिए आप, चलिए आज के लिए इतना ही, ज़्यादा भी वक्त मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर है ये दोनों बना हमारे युवराज सिंह और रणवीर सिंह। मेन हवेली यही थी, अब जो सामने आ गए ये बैठक था, यहाँ पे बैठ के डिस्कस किया जाता था, गांव का समस्याओं का हल किया जाता था, किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है वो यहीं पे गांव के ठाकुर साहब के पास में आती थी, गांव की जनता, गांव में किस हिसाब से गांव की प्लानिंग करनी है, क्या खेती कैसे करनी है, कोई भी गांव में होता था प्रोग्राम तो यहीं से निष्कर्ष निकालता था, डेली रूटीन का क्या प्रोग्राम होता है वो भी यहीं पे गांव की हवेली में, इसी के ऊपर पहाड़ी पे ये हवेली अपन जो देख रहे हैं पहाड़ी के तलहटी पे है और पास में पहाड़ी है, पहाड़ी पे गढ़ था मेन गढ़, वहां पे रहते थे, लेकिन सारी गाँव की समस्याओं का सोल्यूशन यहाँ पे बैठ के किया जाता था, ये फ्रंट में ये इलाका इसी के लिए था, या फिर कोई प्रोग्राम होता था नृत्य होता था उसके लिए ये इलाका ओपन स्पेस था, और ये सामने अपन जा खड़े वो अंदर की हवेली आ गई। तो ये ऊपर देखिए सब टूट चुके ऊपर जो बना हुआ था पहले धीरे धीरे, पहले बीच में यहाँ पर स्कूल भी हुई थी पर स्कूल वालों ने भी इसको नहीं संभाला और ऐसे छोड़ दिया जर्जर अवस्था में, धीरे धीरे वक्त के साथ में ये अपनी आधुनिकता से जब लोग बढ़े तो इस पुराने हवेलियों की कदर भी लोगों ने कम कर दी, हम जैसे जो लोग हैं उन्हें दुख होता है आज भी काश हमारे पूर्व जो कि ये धरोहर हम बचा सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इन धरोहर की वापस से मरम्मत करके इनको इनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, इनमें होटल्स चालू करने चाहिए, बहुत से रजवाड़ों में चालू हो गए हैं और अगर ये भी उसके अंदर आए तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। ये देखिए आप तो यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ गए वो भी हम बताएंगे, ये एक्चुअली जोरावर सिंह जी का था सेशम, उनको मिला था और शाम में मिला था इंद्र सिंह जी को जिनके हम वंशज है, तो दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि ये जागीर उन्होंने छोड़ के दोनों भाई शाम में शिफ्ट हो गए, तो ये जागीर वापस खंडेला परिवार के पास चली गई जिन्होंने उनको दी थी, सात लड़के थे उनके, सातों को खानड़ी राजपुरा सब गाँव मिले हुए थे।
तो दुख तो होता है, अब हमारे पूर्वजों की है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी हम भी इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि इन चीज़ों को इतना जीर्णोद्धार करा सके, बाकी सरकार अगर चाहे तो करवा सकती है। चलिए करते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट बार जब टाइम रहेगा तो आपको इस हवेली के से जुड़े हुए किस्से, कौन कौन रहता था, कौन वंशज है, उनके सबके बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद, जय माता जी की।